सो हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है भाई 15th of August, आज है सैटरडे और आज अपन करने जा रहे हैं बाइक वॉश। जी हाँ, आज अपने को हिमालयन वॉश करने हैं क्योंकि कल है 15th of August, कल है अपनी एक छोटी सी राइड। जी हाँ, कल अपनी एक छोटी सी राइड है। आप सभी लोगों को पता है कि 15 अगस्त को क्या होता है? 15 अगस्त को होता है जी इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ, कल है आज़ादी का दिन। तो अपनी तरफ से तो कोई आज़ाद नहीं हो रहा है कल, बट आज ना अपन अपनी करने वाले हैं बाइक वॉश, क्योंकि भानगढ़ और अलवर वाली राइड पे बाइक हो गई थी बहुत ज़्यादा गंदी। अभी दिखाता हूँ आपको कि बाइक कितनी गंदी हुई पड़ी है। तो आज अपन करने वाले हैं अपनी बाइक वॉश, चेन भी साफ़ करनी है, बहुत काम है सीरियसली, बट कोई नहीं, करना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि अपन क्या क्या यूज़ करने वाले हैं अपनी बाइक के प्रोडक्ट, वॉशिंग से लेके चैन क्लीनिंग से लेके क्या क्या अपन यूज़ करने वाले हैं, आज मैं आपको सब बता देता हूँ। जी पहले तो अपन यूज़ करेंगे चैन क्लीनअप। जी हाँ, ये है मैक्सिमा का चैन क्लीनअप, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है इसकी और आज अपन इसको यूज़ करने जा रहे हैं। इवन मैंने काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है, बट आज आपको भी दिखाएंगे कि कैसे यूज़ करते हैं, चैन क्लीन कैसे करते हैं। देन आफ्टर उसके बाद करेंगे अपन चैन वैक्स, इसके बाद अपन इसकी ल्यूब करेंगे चैन वैक्स का, ये भी बहुत शानदार चीज़ है। जी हाँ, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे लिटरली मैक्सिमा जैसा कुछ भी नहीं लगा, मुझे मैक्सिमा सबसे बेस्ट लगा। अब बात करते हैं जी अपन कि अपनी बाइक वॉश करने के लिए अपन कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो अपन करते हैं जी एमवे का कार वॉश, बाइक वॉश भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देन आफ्टर अपन यूज़ करेंगे, मेरे हाथ में एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसके मैं आपको बताता हूँ कि ये किस काम आता है और क्या चीज़ है, और सीरियसली आपको हर किसी को ये चीज़ पसंद आने वाली है। जी ये है मोटो मक का प्रोडक्ट और ये मेनली है मोटो क्लीनर, मतलब कोई ऐसी चीज़ जहाँ आपके कुछ ऐसे धब्बे लग चुके हैं बाइक या गाड़ी पर, उसकी बॉडी पर, जो नहीं निकल पा रहे हैं, तो जी हाँ इसको यूज़ कर लेना, सब निकल जाएगा। मैंने खुद से यूज़ किया हुआ है, ये यहाँ तक आता है, इतना यूज़ किया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि मैंने यूज़ किया हुआ है और मैं आज भी इसको यूज़ करने वाला हूँ। कुछ इंजन पे मेरे कुछ मिट्टी के ऐसे दाने जम चुके हैं जो वॉश से और शैम्पू से नहीं निकल रहे हैं, बट आज अपन इसको यूज़ करेंगे और आज ही मैं इसका फिर आपको प्रॉपर रिव्यू भी दूंगा पक्का। वो किस चीज़ से है वो मुझे भी नहीं पता, मैं गया था सच पास की राइड पे। अगर आपने मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखी है सच पास की, तो प्लीज़ जाके मेरी वीडियोज़ देख लेना, बहुत अच्छा मज़ा आएगा आपको पूरी राइड का। तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश थी और वहाँ की मिट्टी कुछ इस तरीके की होती है कि बाइक पर लग गई और वो हटने का नाम नहीं ले रही है। तो अब अपन इसको यूज़ करेंगे और आपको इसका पक्के से रिव्यू देने वाला हूँ। देन आफ्टर मैं यूज़ करता हूँ पॉलिश के यूज़ में एमवे का सिलिकॉन कार पॉलिश, ये बहुत अमेजिंग है। अगर आपकी बाइक का कोई भी कलर है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू हैव अ सुपर बाइक, जी हाँ मेरे पास एक हायाबुसा है और आपकी डार्क कलर की कोई सुपर बाइक है, तो उसके लिए भी मेरे पास एक प्रोडक्ट है। जब मैं हायाबुसा वॉश करूँगा तब मैं उसका भी पक्के से आपको बताऊँगा। तो चलो अभी चलते हैं सीधा बाइक वॉश करते हैं और आपको दिखाते हैं, पहले करेंगे अपन चैन क्लीन। तो अभी अपन यूज़ करने जा रहे हैं चेन क्लीन, उसके बाद करेंगे अपन चेन वैक्स। चेन क्लीन के लिए आपको दो प्रोडक्ट चाहिए, एक आता है चेन क्लीनर, एक आता है मेटल ब्रश। मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और सबकी भी। तो अब अपन यूज़ करते हैं चेन क्लीन, हाउ टू चेन क्लीन। सबसे पहले बाइक स्टार्ट करके फर्स्ट गियर पर डाल के छोड़ देनी है, मेन स्टैंड पर लगा। अब अपन यूज़ करते हैं चेन क्लीन। आप प्रेशर वॉश यूज़ ही करना, क्योंकि चेन क्लीन होने के लिए प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा प्रेशर ज़रूर होना चाहिए। गाइस लुक, अब आप चेन देख सकते हो कितनी क्लीन हो चुकी है, बट अभी मैं
पूरी वॉश करने के बाद फिर करेंगे अपन इसमें चैन ल्यूब। बाइक की हालत देख लो, क्या मिट्टी लगी हुई है, बहुत गंदी हो रखी है, बहुत ज़्यादा वाली। अंदाज़ा आप लोगों को लग ही गया होगा, बट अब टाइम है वॉश करने का, तो लेट्स गो। भाई लोग, बाइक वॉश कराना इट्स नॉट अ इजी टास्क, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मतलब यार बॉडी है ना, ऐसे हो जाती है क्या ही कर लिया हो, देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है। कोई नहीं, बट बाइक अच्छे से साफ हो चुकी है क्योंकि कल है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, तो अपनी बाइक ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा पुरानी है, 2 महीने तो हुए भाई बाइक लिए हुए। तो कोई ना, अभी रह गई है पॉलिश वॉलिश और ये सब। चलो चैन ल्यूब आपके सामने कर देता हूँ, पॉलिश में बहुत टाइम लगता है तो शायद पॉलिश के शॉट्स नहीं आ पाएंगे, बट चलो चैन ल्यूब कर देते हैं और उसके बाद। तो जी अभी टाइम है चैन ल्यूब करने का, तो चलो जी चैन ल्यूब करते हैं, बाइक को करते हैं स्टार्ट, उसके बाद करते हैं चैन ल्यूब मैक्सिमा। तो फाइनली चैन ल्यूब हो चुका है, अब चलते हैं अंदर, छोटा मोटा काम है उसको निपटा के करते हैं आपसे बात। तो फाइनली अभी बाइक वगैरह सब वॉश करके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी फ़ोन आया मेरे पास बछामदी मोटर से और बोल रहे थे कि भैया कल आना है आना है आना है, तो आई वाज लाइक ठीक है मैं आ जाऊंगा। फिर से धर्मेंद्र भैया, हमारे यूट्यूबर, मेरे फेवरेट भैया, बहुत सपोर्टिव पर्सन है यार, प्लीज़ उनको भी एक लाइक सब्सक्राइब बनता है आपकी तरफ से। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, फिर वो बता रहे थे कि सुबह 7:30 बजे प्लीज़ से भैया आपको आना है, साथ में चलना है, सुबह ब्रेकफास्ट हमारे साथ है, लंच हमारे साथ है, आप बस हमारे साथ चलो। मैंने कहा यार इन चीज़ों की कोई नीड नहीं है, बस मैं आ जाऊँगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने बाइक वॉश कंप्लीट कर चुके हैं, सारा कुछ डन है हमारी तरफ से, तो कल सुबह आपको भी लेके चलेंगे अपन राइड पे। कौन सी राइड? इंडिपेंडेंस राइड, जी हाँ ये होने वाली है इंडिपेंडेंस राइड। तो कल चलते हैं, आपको भी घुमाएंगे, खुद भी घूमेंगे। तो होप करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भी मेरे इस चैनल पर नया है ना भाई लोग, प्लीज़ छोटे भाई को सपोर्ट करके सब्सक्राइब करो, और जितना हो सकता है ना फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करो प्लीज़। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना मेरे लिए भी बनता है यार सिर्फ एक सब्सक्राइब। चलो जी, तब तक के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त, बाय, टेक केयर।